नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम बताते हैं आपको मंडार में हो रहे एनरोलमेंट कैंप के बारे में, जहां पर पीडब्ल्यूडी वोटर जो दिव्यांग जन है और उस परिधि में आते हैं कि उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है या 17 वर्ष के हैं, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं अपनी वोटर आईडी बनाने के लिए। अधिकारियों ने उन्हें समझाया, संबोधित किया, क्या कहा, आई सुनाते हैं उनकी जुबानी। हालांकि जिस संस्थान में दिव्यांग संस्थान है, वहाँ पर जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, के एमडी और डायरेक्टर ने अधिकारियों को भी भ्रमित किया और उनको अंधेरे में रखा, क्योंकि वहाँ पर दिव्यांग बच्चे कम थे, सरकारी स्कूल से बुलाए हुए बच्चे ज़्यादा थे। और ये सामने बैठे हैं, ये दिव्यांगजन जो दूर दराज हैं, वो पहले से ही वोटिंग करते आए हैं। और जब उन अधिकारियों से पूछा गया कि इन स्कूल में बच्चों को क्यों लाया गया, तो उन्होंने कहा कि 17 साल के बच्चे भी अब आवेदन कर सकते हैं ये बताने के लिए। तो हमारा सवाल ये था कि क्या सिर्फ ये 15, 20 या 50 बच्चे ही सरकारी स्कूल से बुलाए गए वही 17 साल के हैं, या पूरे मंडार कस्बे के अंदर करीब 8 से 10 स्कूलें हैं और घरों में 17 साल के बच्चे हैं या नहीं। तो क्या सरकार को अलग से इस तरह के आयोजन करके स्कूल स्कूल या पूरे गांव गांव जाकर इस तरह के आयोजन नहीं करने चाहिए और उनको जागृत करना चाहिए कि दिव्यांग संस्थान का जो संस्थापक है वो इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करके लोगों को भ्रमित करते हैं और वो डोनेशन के लिए उनको प्रेरित करते हैं। अधिकारियों को भी वो लोग अंधेरे में रखते हैं और अधिकारी उनको देख के अंधेरे में रहते हैं कि यार हमारी संस्था में देखो कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इस वजह से लोग उनसे जुड़ते हैं। ऐसे ही जुड़कर उन्हें बामा सा डोनेशन देते हैं, सरकार भी फंडिंग करती है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से अधिकारियों ने लोगों को जागृत किया, अपना वोटर आईडी जरूर बनवाएं। धन्यवाद। के श्री चरणों में नमन करते हुए मनसा सिंह, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया सीओ मैडम, तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, सरपंच साहब और ग्राम मंडार और आसपास से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा आम चुनाव 2023 से पूर्व मतदाता सूची के अपडेशन के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर 2022 से शुरू हुआ है, जो 8 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग का ये विशेष प्रयास है कि इस दरमियान जो लोग दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स जिनको निर्वाचन आयोग ने नाम दिया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो शारीरिक रूप से किसी न किसी रूप में वो असक्षम है, उन लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए और उन्हें मताधिकार देने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रेवदर विधानसभा क्षेत्र का आज ये मंडार के अंदर शिविर का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर विराजे हुए जितने दिव्यांग भाई बंधु, माताएं, बहनें हैं, उनसे मेरा आग्रह है, कुछ आपका नाम हो सकता है पहले वोटर लिस्ट में हो, लेकिन दिव्यांग के रूप में या पीडब्ल्यूडी के रूप में आप पंजीकृत मतदाता नहीं है। हर बूथ पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग विशेष अलग से व्यवस्था करते हैं, जैसे रैंप है, ट्राईसाइकिल है या आपके देखने सुनने की मशीन वगैरह, वो सारी व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है ताकि आप अपने मताधिकार का प्रयोग विवेक के साथ इच्छित उम्मीदवार को अपना मत दे सके। तो हमारे पास जब सूचना नहीं होगी, पता नहीं होगा कि इस बूथ पर कैसा दिव्यांग मतदाता है, तो हम वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। मान लिया मंडार का एक बूथ है और उसमें 4 मतदाता जो पैरों से विकलांग है, हमारे पास सूचना नहीं है तो हमने वहां पर ट्राई साइकिल की व्यवस्था नहीं की, फिर वहां पर आपके परिजनों को उस मतदाता को उठा करके कंधों पे उठा करके लेके जाकर के वोट दिलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए निर्वाचन आयोग के ये डायरेक्शन है कि जहां भी ऐसे दिव्यांग मतदाता है उनका आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान हो जाए कि वहां पर कैसे दिव्यांग मतदाता है। अंधे मतदाता है तो उनके लिए आंखों की जो मशीन है या उनके साथी की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करेंगे। जहां पर ऐसे मतदाता है जो चलने में असक्षम है, उनके लिए ट्राई साइकिल की, रैंप की, इस तरह की व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग हर मतदान केंद्र पर करता है। इसी संदर्भ में ये आज के इस शिविर का विशेष आयोजन किया गया है, जो
नागरिक बंधु यहाँ पर विराजे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा, आप अपने आसपास जितने लोग इस तरह के हैं जो किसी न किसी अंग से दिव्यांग है, उनकी सूचना संबंधित बीएलओ को आप नोट कराएं, वो कैसे दिव्यांग है, उनकी अलग अलग श्रेणियाँ हैं, जो अंधा है उनके लिए अलग श्रेणी है, जो बहरा है उसके लिए अलग श्रेणी है, जो पैरों से विकलांग है उनकी अलग श्रेणी है, हाथ से विकलांग है उनकी अलग श्रेणी है, इस तरह से सबकी कैटेगरी है, तो कैटेगरी में आप डिवाइड करके यदि करेंगे तो निर्वाचन आयोग प्रॉपर व्यवस्था कर पाएंगे। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो दिव्यांग होने के बाद वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, क्योंकि वो कहे भाई हम तो विकलांग है, हम वोट दे नहीं सकते, तो हम नाम ही नहीं जुड़ा। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसका संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है। आपका अधिकार है कि आप अपने मत का प्रयोग करें, आपका खुद का दायित्व है कि आप अपने इच्छित जो उम्मीदवार है उसको अपना मत दे करके अपना समर्थन उसे दें। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया और संवैधानिक बाध्यता है। भारत लोकतंत्र है तो उसके लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का अपना कर्तव्य है, ड्यूटीज है। ड्यूटी ये है कि जब निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करता है तो उस समय अपने को अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी इच्छा प्रकट करनी होती है कि भाई हमारी इच्छा इसके साथ रहे। फिर लोकतंत्र है, आपको पता है इसको समर्थन दे रहे हैं वो विजयी नहीं हो, लेकिन आपको अपनी इच्छा प्रकट करने का अधिकार है और यही लोकतंत्र है। इसे जीवंत रूप प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो दिव्यांग है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है या किसी भी रूप में, प्रत्येक मतदाता जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार करेगी, निर्वाचन आयोग सारी व्यवस्था करेंगे। जैसी आपको व्यवस्था चाहिए, ट्राईसाइकिल की चाहिए ट्राईसाइकिल ला के देंगे, आपको चलने के लिए लाठी चाहिए तो लाठी ला के देंगे, आप अंधे हो वोट नहीं डाल सकते तो ब्रेल लिपि का भी वहाँ पर, आप ब्रेल लिपि में पढ़ना लिखना जानते हैं तो ब्रेल लिपि का पन्ना भी वहाँ पर साथ में दिया जाता है, वोट जो पोलिंग पार्टी होती है उसको, पोलिंग पार्टी को वो भी दिया जाता है। तो समस्त प्रकार के, जैसे आप बहरे हैं सुनाई नहीं दे रहा है तो उसकी भी मशीन निर्वाचन आयोग व्यवस्था करता है। तो इस कैंप का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक मतदाता जो दिव्यांग श्रेणी के हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो और उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, ताकि हमें पता लगे कि इस मतदान केंद्र पर इतने दिव्यांग मतदाता है। आप यहाँ पर जो बता रहे हैं वो संबंधित बीएलओ के पास में फॉर्म भरे, जो नहीं बता रहे हैं उनको आप सूचित करें कि प्रत्येक जो जैसा मतदाता है उसके लिए ये व्यवस्था निर्वाचन आयोग कर रहा है, तो आपको आगे बढ़ करके अपने आप अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और भाग संख्या सेलेक्ट करके वहाँ वोटर लिस्ट देख करके पढ़ सकते हैं। सारी चीजें ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन मोबाइल में भी अपनी वोटर लिस्ट पूरी खोल सकते हैं या बीएलओ के पास में जाकर के अपनी, उस पर बहुत सारे डेली करंट अफेयर्स आते रहते हैं, उस पर आपको न तो उसको पढ़ना है, उसके बारे में जो लिखते हैं पेपर में उसको छोड़ के भी एक अलग एंगल होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं कुछ और बोल रही हूँ, डोडाराम की अलग बोल रहे हैं, मैं सीओ की तरह बोल रही हूँ, एसडीएम की तरह बोल रहे हैं, और जब मैं अगर कुछ अन्य पोस्ट पर होगी तो उस हिसाब से बोलूंगी। तो 360 डिग्री एक कोई चीज का कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं इस पे भी आपको सोचना है। रोज न्यूज पेपर पढ़िए, स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ उस पर कुछ चर्चा कीजिए, न्यूज पेपर में छोटी मोटी नहीं पढ़ना है, किसी के घर क्लासेस में भी जो फ्री टाइम मिलता है वो डिस्कशन करना है। जब आप लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए देश के लिए, और जब आप अभी से ये कल्चर डेवलप करोगे, जब आप 18 साल से ऊपर हो जाओगे तब आप सोच समझ के विचार करके आप अपना मत दे सकोगे, और आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होते होंगे 18 साल से ऊपर वाले, उनको भी बताइए कि ये जो कैप है वो चल रहा है, तो आधार में एनरोलमेंट कराइए आके, उन सबको बताए बीएलओ कहाँ बैठता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो 100% ये होना है, तो आपका भी मैं कोऑपरेशन मांगूंगी। थैंक यू वंदन डॉक्टर। प्रार्थ करके मान बढ़ाया, धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।